फारस की खाड़ी में काफी हलचल मच गई है। यहाँ दांव भी लग रहे हैं और चाले भी चली जा रही है। बड़ी बात यह है कि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका उसकी हेकड़ी निकालने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। हालत यह है कि खाड़ी में मामला उलझ गया है और किसी भी वक्त यहाँ आर पार के लिए बिगुल बज सकता है। कमाल की बात यह है कि ईरान और अमेरिका के अहंकार की बिसात पर कोई भी प्यादा या वजीर बनकर किसी के पाले में जाने के लिए नहीं आया है। ईरान ने कल शाम अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा करके अमेरिका का गुस्सा और बढ़ा दिया। अमेरिका भड़क गया है, परंतु ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन ने उसके वायु क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए उसके क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसके बाद ही उसे मार गिराया गया है। अमेरिका में निर्मित ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दक्षिणी तटीय प्रांत होर्मुज़गान में ध्वस्त किया। यह वही प्रांत है जहां सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला हुआ था। घटना के बाद खाड़ी में मौजूद अमरीकी सैनिक अगली कार्रवाई के लिए चुस्त हो गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में अब कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इसकी रणनीति भी अमेरिका बना चुका है और वह माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए नया पैतरा गढ़ रहा है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में 13 जून को दो तेल टैंकरों पर हुए हमले से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, साथ ही हमले के लिए सीधे सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इन तस्वीरों में ईरान के सैनिक हमले का शिकार हुए जापान के कोकुका क्रेजिस जहाज से विस्फोटक सामग्री हटाते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कोकुका जहाज पर एक बड़ा छेद दिख रहा है, यानी ईरान को घेरने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमरीकी हमले को जायज ठहराने के लिए अमरीका अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। जबकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी साफ साफ कह चुके हैं कि वे अमरीका के साथ अंत तक नहीं झुकेंगे और अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने तेल टैंकरों से जुड़े हमले की जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, ईरान ने उनको खारिज कर दिया है। ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा है कि दो जहाजों पर अलग अलग समय पर 3 धमाके हुए थे। ईरान की नौसेना ने ही जान बचाने के लिए पानी में कूदे 44 क्रू मेंबर्स को बचाया था, पर अमेरिका का कहना है कि इन मेंबर्स को ईरान ने नहीं, उसने बचाया है। अमेरिका ने कहा है कि अब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने पश्चिम एशिया में अपने 1000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। सेंट्रल कमान की ओर से अतिरिक्त सैनिकों की मांग के बाद ही अमेरिका ने यह कदम उठाया है। दरअसल 13 जून को दक्षिण ईरान के रास्ते 111,000 टन क्षमता वाला फ्रंट अल्टियर टैंकर जहाज कतर से ताइवान जा रहा था। जहाज पर जैसे ही आग लगी तो इसमें सवार 23 क्रू मेंबर्स पानी में कूद गए, जिन्हें नौसेना ने बचा लिया। इससे ठीक 1 घंटे बाद दूसरे जहाज में भी आग लग गई। यह दोनों घटनाएं ईरान के बंदरगाह से 28 समुद्री मील दूरी पर हुई थी। इससे पहले मई में संयुक्त अरब अमीरात के 4 तेल टैंकरों पर भी हमला हुआ था। हमले के शिकार हुए दो जहाजों में से एक जापान के स्वामित्व वाला टैंकर कोकुका क्रेजिसर था, दूसरा नॉर्वे का टैंकर फ्रंट अल्टेयर था। यह हमला दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग ओमान की खाड़ी होर्मुज के करीब हुआ था। यहां से प्रतिदिन कई लाख डॉलर का तेल गुजरता है। खास बात यह है कि ईरान इसी रास्ते को बंद करने को लेकर अमेरिका को धमकी भी दे चुका है। ईरान ने कहा है कि यदि इसके ऊपर हमला होता है तो वह होर्मुज़ जलमार्ग को बंद कर देगा और इस रास्ते से तेल नहीं गुजरने देगा। पर अब अमेरिका ने इसी रास्ते पर अपने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने का निर्णय करके ईरान के साथ तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। यानी यह अमेरिकी सैनिक सीधे सीधे ईरान को चुनौती देंगे, लेकिन अमेरिका द्वारा इन सैनिकों को भेजने पर चीन ने कड़ी आपत्ति की है। चीन का कहना है कि यह ईरान को उकसावे वाला कदम है, इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पर अमेरिका अब ईरान को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। वह धीरे धीरे ईरान की घेराबंदी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मई और उसके बाद जून में तेल टैंकरों पर हमले का मुद्दा उसके पास है। मतलब साफ है, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया, लीबिया होता हुआ अमेरिका अब ईरान में अपनी मिसाइलों और बंदूकों का मुंह खोलने की तैयारी कर रहा है। जंग की संभावना अब काफी मजबूत हो चुकी है। ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड भी किसी भी संभावित हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिकी ड्रोन का मार गिराया जाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह ईरान के पूरी तरह चौकस होने का संकेत है। यानी किसी भी सुबह ईरान अमेरिकी संग्राम की खबर सुनने को मिल सकती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।